ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और हर कार्य में मम्मा प्रवीण थी और हर कार्य करने को तैयार थी। क्लास के बाद में कभी सब्जी काटना होता था, कभी मसाला कूटना होता था, बहुत बड़े बड़े लोहे की मामदस्ते थे और जो मूसली थी बहुत बड़ी बड़ी कूटने वाली थी। तो उस समय मशीन के मसाले नहीं होते थे पिसे हुए, मोटी मोटी हल्दी मिर्चा धनिया सब कूटा जाता था। तो बाबा भी हाथ लगाते थे, मम्मा भी कूटती थी, फिर सब भाई बहन देख के पहुँच जाते थे। एकदम बिजली की तरह खबर पहुँचती थी कि मम्मा मसाला कूट रही है, बाबा मसाला कूट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो सब हम लोग पहुँच जाते थे। तो मम्मा ने कहा ना, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख के दूसरे करेंगे। तो मम्मा ने कह के नहीं काम कराया, मम्मा ने करके दिखाया, हर कार्य करके दिखाया। और यहाँ तक कि मम्मा जब बाबा मुरली चलाते थे तो बहुत ध्यान से सुनती थी, बहुत ध्यान से, और एक एक बात को अपने अंदर उतारती जाती थी, उसका मनन चिंतन करती थी। तो जैसे बाबा कहते थे, तुम्हारी माँ बच्चों के लिए माजून तैयार करती है, उसको सुन करके बहुत सरल करके सरल शब्दों में फिर मम्मा सुनाती थी। तो पहले मम्मा आधा घंटा सुनाती थी क्लास में, फिर उसके बाद बाबा जाके मुरली चलाते थे। तो मम्मा पहले योग करा के क्लास करा लेती थी। और मम्मा बाबा का भी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, हाँ के सिवाय हाँ जी, जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा, कभी ऐसा कुछ नहीं जो बाबा ने कहा तो वो जी बाबा कह के सब सुन लिया और धारण कर लिया, वो सारा कार्य करती। और बाबा के लिए भी बहुत था कि बाबा की कोई बात अगर मम्मा ने सुना तो वो उसको तुरंत फॉलो करती थी। एक एक बोल बाबा के वर्सन्स को वो हीरा समझ के अपने दिल रूपी तिजोरी में समा लेती थी। और मम्मा को यज्ञ से बहुत प्यार था, जितना बाबा से प्यार उससे ज़्यादा यज्ञ से प्यार। और इतना प्यार था कि जब सवेरे गुरुवार का दिन आता था, मम्मा अपने हाथ से भोग बनाती थी, कहती थी कि देखो, मैं भी कई बार बोला, भोली दादी बोलती थी, मम्मा मैं बना लूँगी, आप मुरली जाके सुनाओ। मम्मा कहती थी नहीं, तुम तैयारी करके रखो। तो पहले मम्मा भोग बनाती थी, फिर क्लास में जाती थी। तो मम्मा ने कहा कि किसी का विदेश से भाई आए, पिताजी आए, रिश्तेदार आए, तो वो जो है अपने हाथ से प्यार से भोजन खिलाएंगे। वो तो करके 3 साल के बाद आएगा, 2 साल के बाद आएगा, और हमारा माता पिता बंधु सखा सतगुरु वो जो सब है वो तो 5000 साल के बाद आया है, तो परम धाम से इतना दूरी से आया है। तो मम्मा बहुत प्यार से इसलिए बाबा के लिए भोग तैयार करती थी और अपने हाथों से तैयार करके थाली में रख करके उसके बाद जाके मम्मा मुरली सुनाती थी। तो इसी तरह से बहुत मम्मा को प्यार था। और एक बार क्या हुआ कि कितनी मम्मा को कदर थी, पालक थी तो मैं पालक को साफ कर रही थी, तो मैंने तो ऊपर ऊपर के पत्ते तोड़ दिए और उसके नीचे जो छोटी छोटी पत्तियां निकली होती ना किल्ले, वो छोड़ दिया, तो पूरी पालक ही गाय को खिला दी जाती थी, तो उसका तो कोई मुझे कदर नहीं था। फिर मम्मा ने उसमें से सब में से तोड़ा निकाला, कहा देखो इतना इसमें से निकला, एक के हिस्से का है ये बर्बाद हो जाता। तो मम्मा की उस सीख से ये सीखने को मिला कि कोई भी चीज़ नहीं बर्बाद करनी, एक पत्ती भी बेकार नहीं जाने देना है, क्योंकि वो यज्ञ का है। तो इसी प्रकार मम्मा एक एक बात सिखाती रही, सीखते रहे।